सामीन हजरात, श्री कैसिट इस्लामी संजय अग्रवाल जी पेश करते हैं एक बहुत ही हसीन वाकया। यूं तो आपने बहुत सारे वाकया सुने हैं, लेकिन उसी तरह से आज फिर हम नए अंदाज में ये वाकया लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है शद्दाद की जन्नत। एक बादशाह हुआ करता था जो दुनिया पे अपनी हुक्मरानी चलाता था। सामिन हजरात, वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। उसने दुनिया में रह करके गरीबों पर जुल्म करना और अपनी एक जन्नत भी बनवाई। तो आइए, किस तरीके से उस जन्नत में दाखिल होता है या नहीं होता है। अल्लाह ताला का हुक्म था, मौत के वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगारे आलम भेजता है और जन्नत में नहीं पहुंचता है। तो आइए, इसका उनवान हम शद्दाद की जन्नत के नाम से रख रहे हैं। इस कलाम को लिखा है मोहतरम जनाब फैज़ बदायूनी साहब ने और आवाज़ से सजाया है नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने, और म्यूज़िक का तरतीब दिया है मोहतरम जनाब राजू खान साहब ने, और संयोजक मुसर्रत अली साहब का है, रिकॉर्डिंग गुलाम साबिर साहब। तो आइए, श्री कैसिट पेश करते हैं शद्दाद की जन्नत नसीम आरिफ की आवाज़ में। गुदारिश फैज की है एक इबरत का बयां सुनिए, गुदारिश फैज की है एक इबरत का बयां सुनिए। यह शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए, शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए, यह शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए। गुदारिश फैज की है एक इबरत का बयां सुनिए, गुदारिश फैज की है एक इबरत का बयां सुनिए, गुदारिश फैज की है एक इबरत का बयां सुनिए। यह शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए, शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए, यह शद्दाद की जन्नत की सच्ची दास्तां सुनिए। इज़राइल से पूछा, फरिश्ते मौत के बतला जमी का हाल है कैसा, बयां कर दे फरिश्ते जो जमी पे तूने देखा है, क्या कोई हादसा दुनिया में तेरे साथ गुजरा है, किसी को मौत देने में क्या दिल तेरा पसीदा था, किसी की रूह लाने में कभी क्या तू भी रोया था। फरिश्ता मौत का बोला, खुदा तेरी खुदाई परी, ये मेरी जान भी कुर्बा है तेरी रहनुमाई परी, खुदा दो बार मेरा दिल तेरी मर्जी पे रोया था, ये पत्थर का कलेजा भी बड़े सदमे से गुजरा था, मेरे माबूद दोनों किससे मैं तुझको सुनाता हूँ, मेरा दिल किस लिए रोया मेरे मौला बताता हूँ। हुआ एक बार ऐसा के बड़े खुशियों के मंजर थे, ही कश्ती बीच दरिया में भरे उसमें मुसाफिर थे, अचानक आ गया तूफान वो कश्ती टूट कर बिखरी, अचानक आ गया तूफान वो कश्ती टूट कर बिखरी, अचानक आ गया तूफान वो कश्ती टूट कर बिखरी। मुसाफिर जो भी थे खतरे में आई जिंदगी उनकी, मुसाफिर जो भी थे खतरे में आई
जिंदगी उनकी मुसाफिर जो भी थे खतरे में आई जिंदगी उनकी। जिसे था तैरना आता किनारा पा गया था वो, जिसे ना तैरना आता बड़ा घबरा गया था वो। उन्हीं में एक औरत हामिला तख्ते पे लेटी थी, बड़ी मजबूर थी मुश्किल में उसकी जान अटकी थी। उसी तूफान में उसने अभी बच्चे को जन्मा था, तभी महबूद मेरे हुक्म तेरा मैंने पाया था। मिला जब हुक्म तेरा रूह औरत की निकाली थी, हुआ पैदा जो बच्चा उसकी जा मुश्किल में डाली थी। हुई थी मौत माँ की और बच्चा रह गया तन्हा, समझ में मेरे न आया था मौला फैसला तेरा। वो बच्चा पानी में तख्ते पे लेटा तेरा फिरता था, पड़ी थी लाश माँ की भूख से वो रोता फिरता था। ये मंजर देख के मौला मेरा दिल भी पसीजा था, नहीं मालूम उस बच्चे का फिर आगे हुआ क्या था। कहा रब ने जो किस्सा दूसरा है वो भी बतला दे, कहा रब ने जो किस्सा दूसरा है वो भी बतला दे, कहा रब ने जो किस्सा दूसरा है वो भी बतला दे। हुआ क्यों रंज में ता दिल इज़राइल समझा दे, हुआ क्यों रंज में ता दिल इज़राइल समझा दे, हुआ क्यों रंज में ता दिल इज़राइल समझा दे। किस्सा दूसरा मौला जमी पर एक शहंशाह था, हुकूमत उसकी चलती थी बड़ा ही उसका रुतबा था। बड़े अरमान से दुनिया ये उसने जगमगाई थी, जमी पे आसमां जैसी ही एक जन्नत बनाई थी। वो जन्नत बन गई थी जब महल से देखने निकला, रखा दरवाजे पे उसने कदम तो ये समा बदला। मिला था हुक्म तेरा जान उसकी मैंने खींची थी, तड़प उठा था मेरा दिल जो ये तस्वीर देखी थी। सुने दोनों जो किस्से तो खुदा ने राज खोला था, जिसे दरिया में देखा ये वही मजबूर बच्चा था। खुदा बोला के इज़राइल पूरी दास्तां सुनिए, सुनाए तूने दो किस्से उन्हीं का है बयां सुनिए। मरी जिस बच्चे की माँ थी हुआ जब बेसहारा था, न कोई उसका अपना था मुसीबत का वो मारा था। करिश्मा हमने इज़राइल फिर अपना दिखाया था, करिश्मा हमने इज़राइल फिर अपना दिखाया था, करिश्मा हमने इज़राइल फिर अपना दिखाया था।
के अब माँ बेटे को हमने किनारे पर लगाया था। किनारे लग गए दोनों तो एक मेहतर वहाँ आया, उठाया उसने बच्चे को जमीन में माँ को दफनाया। वो मेहतर प्यार से बच्चे को अपने ले गया था घर, नहीं औलाद थी उसके हुआ खुश बच्चे को पाकर। गरीबी थी मगर दिल को बहुत वो शादी रखते थे, मोहब्बत से वो बेटे के लिए शद्दाद कहते थे। जो थी मुद्दत से दिल में हो गई वो पूरी चाहत थी, मियाँ बीवी को अब शद्दाद से बेहद मोहब्बत थी। जो बच्चा बेसहारा था वो अब नाजों में पलता था, बड़ा चालाक था माँ बाप के कहने पे चलता था। हुआ 10 साल का तो बदले किस्मत के सितारे थे, अंधेरी जिंदगी में आ गए अब यूं बुझाने थे। वहाँ का जो शहनशाह था किया करता सखावत था, सभी तारीफ करते थे बड़ा ही नेक सीरत था। उधर से हो के जो एक दिन सवारी राजा की निकली, उधर से हो के जो एक दिन सवारी राजा की निकली, उधर से हो के जो एक दिन सवारी राजा की निकली। मिला जो राह में उसको अशर की राजा ने बांटी, मिला जो राह में उसको अशर की राजा ने बांटी, मिला जो राह में उसको अशर की राजा ने बांटी। सवारी आगे पहुंची तो वहां आए सिपाही दो, कहीं सामान कुछ छूटा ना हो ये देखते थे वो। चले आगे वहां से तो चमकती चीज देखी थी, जो देखी पास जा करके तो वो एक सुरमेदानी थी। सिपाही बोले आपस में चलो सुरमा लगाएं हम, है क्या तासीर सुरमे की चलो अब आजमाएं हम। सिपाही एक ये बोला अभी ना हम लगाएंगे, किसी इंसान की आंखों पे पहले आजमाएंगे। खड़ा शद्दाद था उस पल वहीं पर पेड़ के पीछे, वो बातें सुन चुका था सारी ही उनकी वहां छुपके। पड़ी थी एक सिपाही की नजर शद्दाद के ऊपर, खड़ा था पेड़ की जो आड़ में उस बात था छुप करी। बुलाया प्यार से उसको लगाया आंख में सुरमा, बड़ा चालाक था शद्दाद वो अब जोर से रोया। कहा शद्दाद ने क्या चीज आंखों में लगाई है, कहा शद्दाद ने क्या चीज आंखों में लगाई है।
दुआ में आंखों से अंधा नहीं देता दिखाई है। दुआ में आंखों से अंधा नहीं देता दिखाई है। दुआ में आंखों से अंधा नहीं देता दिखाई है। सिपाही जोर से भागे वो फेंकी सुरमेदानी थी। खुशी शब्दाद था बेहद गड़ी उसने कहानी थी। हुआ दरी असल ऐसा था रहा सदमा नहीं अब कुछ। हुए 14 तब की रोशन दिखाई देता था सब कुछ। नजर शद्दाद अपनी जब जमीन पर वो गड़ाता था। खजाना जो जमीन के नीचे था वो देख लेता था। वो अपने बाप को संग लेके रातों को निकलता था। लगा के आंख में सुरमा खजाने खोद लेता था। इसी तरह बहुत शद्दाद ने दौलत इकट्ठी की। हटी उनकी गरीबी आ गई उन पे अमीरी थी। जब जब हो गया शद्दाद ये करी तब दिखाया था। वहां शद्दाद ने एक फौज का दस्ता बनाया था। वो अपनी फौज को लेकर के रातों को निकलता था। जो थी छोटी हुकूमत उन पे जाके हमला करता था। जो कुछ मालूम पता मिलता उसे वो लूट लेता था। वहाँ जो हुक्मरां मिलते उन्हें बंदी बनाता था। वहाँ जो हुक्मरां मिलते उन्हें बंदी बनाता था। वहाँ जो हुक्मरां मिलते उन्हें बंदी बनाता था। सबब ये ही था कि दुनिया पे उसका हो गया कब्जा। तकब्बुर आ गया उसको बड़ा जब उसका था रुतबा। खुदा कहने लगा खुद को सभी पे जुल्म उठाता था। कोई समझाता जो उसको नहीं खिदमत में लाता था। जनाबे खिजर ने भी जाके उसको खूब समझाया। न मानी बात उसने उन पे उल्टे जुल्म था ढाया। कहा था खिजर ने जो दीने हक पे जा लुटाओगे खुदा बख्शेगा तुमको और तुम जन्नत में जाओगे। कहा शद्दाद ने मुझको नहीं रब की जरूरत है। न मुझको बाद मरने के कोई भी पानी जन्नत है। जनाबे खिजर सुनिए मैं तुम्हें जलवा दिखाऊंगा। है जैसी अर्श पे वैसी ही मैं जन्नत बनाऊंगा। बड़ा शद्दाद था जिद्दी ये उसने दिल में ठानी थी। उसे हर हाल में दुनिया में एक जन्नत बनानी थी। महारत जिल को हासिल थी वो कारी गर लगाए थे। महारत जिल को हासिल थी वो कारी गर लगाए थे।
लगाए थे, खजाने जो हुकूमत के थे वो उसने लुटाए थे, खजाने जो हुकूमत के थे वो उसने लुटाए थे, खजाने जो हुकूमत के थे वो उसने लुटाए थे। जो थी आवाम उसकी हो गया मुश्किल यहाँ जीना, थे जेवरी और तोपे जो उन्हें भी उसने था छीना, बड़ी बेहाल थी आवाम खाने को तरसती थी, नहीं कुछ फिक्र थी शद्दाद को उस पे तो मस्ती थी, जो उसकी बन गई जन्नत तो आया एक दिन ऐसा, वो जन्नत देखने के वास्ते जब था वहां पहुंचा, तभी ये हुक्म इज़राइल मैंने तुमको भेजा था, निकलवाई थी जा उसकी दिया उसको ना मौका था, हुआ एक शोर सा बरपा जमीन में धस गई जन्नत, अधूरी रह गई थी इस तरह शद्दाद की हसरत, खुदा की जो भी रहमत से अगर मुंह मोड़ लेता है, नहीं पड़ता सना उसकी इबादत छोड़ देता है, सदा पाता है वो ऐसी जमी भी कांप जाती है, न उसको चैन आता है न उसको नींद आती है, खुदा बंदों से बेहद फैज अपने प्यार करता है, खुदा बंदों से बेहद फैज अपने प्यार करता है, खुदा बंदों से बेहद फैज अपने प्यार करता है, अटक जाती है तूफान में तो कश्ती पार करता है, अटक जाती है तूफान में तो कश्ती पार करता है, अटक जाती है तूफान में तो कश्ती पार करता है, अटक